3N न्यूज चैनल की खबर का असर, रेहान नर्सिंग होम में प्रसूताओं के जीवन से खिलवाड़ की खबर 3N न्यूज चैनल ने प्रमुखता से चलाई थी। खबर चलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिया संज्ञान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ACMO को भेजकर कराई जांच। अपर CMO की जांच में बगैर डॉक्टर बगैर मानक के प्रसूताओं की कराई जा रही है डिलीवरी। डिप्टी CMO ने अनियमितताओं के आधार पर रेहान नर्सिंग को मौके पर किया सीज। फरुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के रेहान नर्सिंग होम का मामला चेक लगाया जा सके। सर जी, पूर्व में ये अस्पताल बंद हो चुका था रेहान नर्सिंग होम, फिर संज्ञान में नहीं था। तब मेरे संज्ञान में नहीं था क्योंकि मैंने बंद नहीं किया था, तब मेरे पास इसका चार्ज नहीं था। आज मैं आया हूँ, कल मुझे यहाँ के कई वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी जानकारी दी और मुझे उच्च अधिकारियों से भी निर्देश मिले, मैं उसी क्रम में आज यहाँ आया हुआ हूँ। सर, यहाँ पे अगर देखा जाए झोला छाप डॉक्टर और फर्जी जो अस्पताल चल रहे हैं, इन पर बाढ़ आ चुकी है। अब तक स्वास्थ्य विभाग इन पर कोई नकेल नहीं कस पाया है। भाई साहब, बिल्कुल नकेल कसी जाएगी और ये नर्सिंग होम का जो लेबर रूम होती है मैं इसे सील कर रहा हूँ। तो सर, रियान नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई रहेगी? अभी कार्रवाई ये रहेगी कि इसको तत्काल सील किया जा रहा है। इसमें एक पेशेंट था जिसको 6 दिन पहले सीजन सेक्शन हुआ था, उसको एम्बुलेंस बुला के संदर्भित किया जा रहा है। मरीज स्टेबल है और नर्सिंग होम सील। सर, जो पीड़ित महिला ये कह रही है रियान नर्सिंग होम की जो वाइफ है उन्होंने उसकी डिलीवरी की है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? मैं अभी तो आपसे यही बता रहा हूँ कि मैं नर्सिंग होम को सील करने के बाद